हेलो एवरीवन, टेरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आप में से कई लोग डिमांड कर रहे थे मैम अल्फ़ाबेट से मैसेज के कार्ड्स निकालिए, तो आज मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, रखे हुए हैं, और थंबनेल में मैंने पिक लगा रखी है ताकि आप लोग आराम से अपनी पाइल चूज़ कर सकें। पाइल कैसे चूज़ करनी है? आपको अपने पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पार्टनर का नाम ए से शुरू होता है तो आपके लिए है पाइल नंबर 2, बीच वाली पाइल। अगर आपके पार्टनर का नाम जेड से शुरू होता है तो आपके पार्टनर का नाम जिस भी पाइल में है, पाइल नंबर 1, 2, 3, जिस भी पाइल में आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर है, वो पाइल आपकी है। आपको कोई लॉजिक यूज़ नहीं करना है, सिर्फ अपने पार्टनर के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट फाइंड आउट करना है, वो पाइल आपकी है। ठीक है, सो यहाँ पर जो फर्स्ट पाइल है वो है XZCIWQDGV। पाइल नंबर 2 ABYEOLKSP, और पाइल नंबर 3 में है MUHTNFJR। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है GVIWQZXC और D से, तो उनके लिए मैं देखती हूँ क्या मैसेजेस निकल कर आए हैं। पहला कार्ड है 6 of Cups, देन वी हैव 4 of Cups, देन वी हैव प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव टेम्परेंस, देन वी हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड पेशेंस एंड प्लानिंग। सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आई हैं, साइंस बता देती हूँ। कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सभी साइंस निकल कर आए हैं। आपके पर्सन का क्लियर मैसेज है कि आपके पर्सन से अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या अगर इन्होंने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया है या नहीं कर पा रहे हैं, या आप इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या ये आपके बिना रह सकती हैं या रह सकते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर ये आपसे दूर हैं या अगर ये आपसे कॉन्टैक्ट में भी हैं, अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो इनके दिल में ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्यार नहीं है या इमोशंस नहीं है या फियर, लव नहीं है। इनके अंदर किसी तरह का फियर है जिससे ये बाहर निकलना चाहते हैं। हो सकता है फियर सोसाइटी का हो, हो सकता है फियर फैमिली का हो, हो सकता है फियर हो किसी बात का। बैलेंस आउट करना चाहते हैं चीज़ें, क्लियर हार्टेडली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इनको टाइम देना है। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, आते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, बट कमिटमेंट में इट विल टेक सम टाइम। ऐसा लग रहा है कि आपको अभी कमिटमेंट मिलने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, बिकॉज आपके पर्सन आपको याद तो करते हैं, मिस भी करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं, बट कमिटमेंट के नाम पर हो सकता है कि इनको अभी थोड़ा वक्त लगे बैलेंस आउट करने में चीज़ें। ये पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं। इंस्टेंटली अगर आपके लाइफ में आए और आपने कहा शादी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ छाड़ के ये शादी कर लें। ये हर तरीके से कोशिश करेंगे कि चीज़ें बैलेंस आउट हों, फैमिली भी खुश रहे, आप भी खुश रहें, सब लोग मतलब साथ में रहें। ये घर तोड़ कर शादी नहीं करना चाह रहे हैं, ये सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पर्सन सिंगल हैं और पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको बिल्कुल इनको स्पेस देना चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस आउट करना चाहते हैं चीज़ें। और अगर ये कहीं और मैरिड हैं या किसी और सिचुएशन में अटके हुए हैं या अटकी हुई हैं, या आप दोनों में कल्चरल डिफरेंसेस है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो भी ये पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या उसमें झोलझाल करना है, तो ये अपना पूरा दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 6 of Cups की एनर्जी है, तो अगर आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड करा है या आप दोनों की कोई ब्यूटीफुल सी मेमोरीज़ हैं बहुत सारी, तो ये उन मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं तो। और अगर कॉन्टैक्ट में हैं तब तो आपसे वो चीज़ें डिस्कस भी करते होंगे, पुरानी बातें जो आप दोनों मिले थे, या आपकी जो पहली उनकी DP लगी थी, या उनकी कोई चीज़ ऐसी पर्टिकुलर होगी जो इनको बहुत अच्छे से याद होगी। तो ये क्लियर मैसेज निकल कर आया है आपके लिए। जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 9 एंड नंबर 7।
मोस्ट प्रॉब्ली 7 to 9 hours या 7 to 9 days के अंदर अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर हो सकता है, और अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो आपको क्लैरिटी मिल सकती है रिलेटेड विद मैरिज और कमिटमेंट। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब आते हैं हम पाइल नंबर 2 पर। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर है AYEOLKBSP इन अल्फ़ाबेट से, तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आए हैं। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 10 of Wands, देन वी हैव एस ऑफ वांड्स। दो दो एसेज आए हैं आपके एनर्जी में। एंड लास्ट कार्ड वी हैव 4 of Swords। ओके, एंड वी हैव मदर गाया की एनर्जी विद नंबर 5, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट विद नंबर 21। सो यहाँ पर मदर गाया है आपके पाइल में, तब तो कुछ पूछना ही नहीं है। यूनिवर्स की एनर्जी है आपके साथ, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, यूनिवर्स आपको अवेकन कर रही है, यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखाएगी। यहाँ पर क्लियर मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं या होती हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए डेडिकेटेड हैं, आपके लॉयल्टी पर बहुत ज़्यादा इनको प्यार आता है। चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो, लेस कॉन्टैक्ट में हो, या बिल्कुल अच्छे से बातचीत हो रही हो, बट ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा प्रोटेक्टिव रहते हैं। ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये आपकी केयर करते हैं, ये आपको खोने से डरते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इनके अंदर आपको खोने का डर है। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर ये कभी बातचीत नहीं करते हैं या नो कॉन्टैक्ट में रहते हैं या आपको ब्लॉक कर देते हैं या कर देती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे नफरत करते हैं या ये आपसे नाराज़ हैं या ये आपसे दूर जाना चाहते हैं या ये आपसे खुश नहीं है। इनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है, इनके कोई अपने फ़र्ज़ भी हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, जिनकी वजह से ये थोड़ा हारा हुआ फील करते हैं, थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हो सकते हैं। हो सकता है कि इनका मूड अच्छा ना हो, इनके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, या इनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, जॉब या फाइनेंशियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो। तो ये आपको टेंशन नहीं देना चाहते, और अगर आप इनसे कुछ पूछते हो, बोलते हो, तो ये आप पे गुस्सा करें, उससे बेटर है कि ये आपको हटा दें। तो ये आपको ब्लॉक अगर करते हैं या नो कॉन्टैक्ट में रखते हैं, तो उसका कारण सीधा से इनको ब्लेम मत किया कीजिए, ऐसा इनका मैसेज है आपके लिए। समटाइम्स यहाँ पर मदर गाया की एनर्जी है, तो समटाइम्स आप लोगों का ब्रेकअप डिवाइनली गाइडेड होता है, डिवाइन की तरफ से आप लोगों को सेपरेट किया जाता है ताकि वो अपने लाइफ में अवेकन हो सके, उनको उनका समय मिल सके इस रिश्ते के बारे में और अच्छे से जानने के लिए। कई बार साथ में रहने वाली चीज़ों का हमें रिस्पेक्ट नहीं होता है, केयर नहीं होता है, बट जब वो चीज़ें या वो व्यक्ति हमारी लाइफ से दूर चला जाता है, तब हमें वैल्यू होती है कि उस पर्सन के बगैर मैं कितना अधूरी हूँ या कितना अधूरा हूँ। तो ये आपकी वैल्यू कराने के लिए समटाइम्स मदर गाया उनको आपसे डिस्टेंस में लेकर जाती हैं, और आपकी इम्पोर्टेंस उनको समझ में आती है, ताकि वो लौट कर आपके पास आएँ और सिर्फ रोमांटिक वे में ना आएँ, एक कमिटमेंट के साथ आएँ। तो अब जब आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे या आएंगी, तो वो आपके लाइफ में एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएंगे और आपको बताएंगे कि वो आपसे कितना अटैचमेंट फील करते हैं। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट प्रॉब्ली जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, 5 hours 5 days या 3 hours 3 days के अंदर आप में से बहुत सारे लोगों को कलेक्टिवली आपके पर्सन की तरफ से कॉन्टैक्ट हो सकता है, और अगर आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो वो ये चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकते हैं। सो ये है पाइल नंबर 2 की रीडिंग्स। अब हम आते हैं पाइल नंबर 3 पे। सो बाय पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर MNFRTJUH इन अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, देखते हैं आपके पर्सन का मैसेज क्या निकल कर आया है आपके लिए। पहला कार्ड है द वर्ल्ड, देन वी हैव प्रिंस ऑफ वांड्स, देन वी हैव 8 of Cups, देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड, देन वी हैव 7 of Pentacles, देन वी हैव 9 of Swords। एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एरीज लियो सेजिटेरियस एंड द वर्ल्ड की एनर्जी है। साइकिक टैरो से हमारे पास है 3 of Wands एंड एस ऑफ कप्स। फाइन, तो आपके पर्सन की जो मैसेज यहाँ पर निकल कर आई है वो ये है कि आपके पर्सन सबसे पहले तो आपसे डिस्टेंस बनाते हैं, आपको छोड़कर चले जाते हैं या आपसे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं।
जब ये आपके साथ होते हैं तो इन्हें आपकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती है, ये आपको बहुत मिसट्रीट करते हैं, हर बात में गुस्सा करते हैं, ये आपकी बातों का जवाब नहीं देते हैं, और इन्हें इनके दिल में है ये चीज़ें जो यहाँ निकल कर आई हैं। तो जब ये आपके साथ होते हैं तो इन्हें आपकी वैल्यू का एहसास नहीं होता है। आप इनको कोई भी मैसेज करो, 25 मैसेज करो, तो ये शायद रिप्लाई भी ना दें, या थोड़ा बहुत कुछ आपको रिप्लाई दे दें, या शायद आपको टोक दें कि यार इतने मैसेजेस क्यों भेजते हो, एकदम खाली हो क्या, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब ये आपसे डिस्टेंस बना लेते हैं, जब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बात पर आप दोनों का बहस हो गया, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या आपको आपका नंबर डिलीट कर दिया, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई कभी भी किसी झगड़े की वजह से या ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से, तो इनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि जैसे कि इनकी सोल निकल के कहीं चली गई, या इनके लाइफ से अब कुछ नहीं है, कोई खुशी नहीं है इनकी लाइफ में, अब कुछ है ही नहीं। और फिर ये आपको स्पाई करना शुरू करते हैं, फिर ये आपकी तरफ नज़र करते हैं कि यार क्या एनर्जी है ये, मतलब इसके साथ रहती हूँ या रहता हूँ तो मुझे फ़ील नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से कंप्लीट हूँ, अबंडेंट हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ है, और जैसे ये पर्सन मेरे लाइफ से निकलती है या निकलता है, मेरी लाइफ अधूरी हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इन्हें गिल्ट भी होता है, पछतावा भी होता है, इन्हें प्रॉब्लम भी होती है आपके बिना, इनको बहुत ज़्यादा सफोकेशन वाली एनर्जी फील होने लगती है, जैसे किसी इंसान के शरीर में से उसकी आत्मा को खींच लिया जाए। फिर ये आपकी तरफ लौट कर वापस आते हैं, स्पाई भी करते हैं, नज़र भी रखते हैं, और आपको लेकर ये प्लानिंग भी करना शुरू कर देते हैं कि इनके साथ ही मुझे आगे जाना है, क्योंकि इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता या नहीं रह सकती। ठीक है, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके साथ इनका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है, पिछले जन्म का रिश्ता है आप लोगों का। अब रिलेशनशिप चाहे जो भी हो, वो तो आपके पर्सनल लेवल पे ही एनर्जी चेक करने पे पता चलेगा, बट आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ डील कर रहे हैं या कर रही हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके लिए 3 नंबर एंड 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट प्रॉब्ली विद इन अ वीक या विद इन 3 डेज 3 आवर्स आप में से बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, और अगर ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हैं तो इस तरह की चीज़ों से आप रेजोनेट कर सकते हैं अगर आपके लाइफ में ये चीज़ें होती हैं। साथ ही आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर ये कभी आपसे नाराज़ होते हैं या आप पे गुस्सा करते हैं या आपसे डिस्टेंस बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपका रिश्ता टूट गया या ख़त्म हो गया। इन्हें पछतावा होता है तो ये अपॉलोजी भी देते होंगे, आके आपको मनाते भी होंगे और आपको बताते भी होंगे, जताते भी होंगे कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इमोशनल लेवल पर आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, चाहे डिस्टेंस कितना भी हो, ये चीज़ें ये आपको बोलना चाहते हैं। सो ये है पाइल नंबर 3 की रीडिंग। होप आप में से कई लोगों को गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।